जिलाधिकारी महोदय के पास है, वही अधिकार कमिश्नर के पास है, कमिश्नर साहब के पास है। उन्हीं के प्रतिनिधि के तौर पर श्री श्याम बाबू शुक्ला जी यहाँ पर हैं और उनको ये ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं। मैं पढ़ के अपनी मांग जो हम लोग पूरे प्रदेश में दे रहे हैं वो यहाँ पर सुना देता हूँ आप सबको। पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी वाला ज्ञापन दे रहा हूँ। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली माध्यम पुलिस आयुक्त विषय व्यापारी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नकेल कसते हुए उनकी मनमानी पर रोक लगे, विशेष रूप से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी कंपनियों को नियंत्रित किया जाए ताकि खुदरा व्यापार जिंदा बच सके। अमेजॉन द्वारा दिए गए 8,500 करोड़ रुपए के रिश्वत घोटाले को भी जांच के दायरे में डाला जाए, ये पहली मांग है। दूसरी, लखनऊ में आयोजित GST परिषद की बैठक में रेडीमेड कपड़े, जूते, ईंट भट्टे एवं कोरोगेट बॉक्स पर टैक्स की दर पूर्ववत रखी जाए। इन पर 5 से बढ़ाकर 12% टैक्स किया गया है, उसको वापस किया गया। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस को महंगाई रोकने के लिए GST के दायरे में लाया जाए, ये आप सबसे भी संबंधित है, आप सब भी महंगाई की मार को झेल रहे हैं। जिस तरह से मनीष गुप्ता का हत्याकांड हुआ, कानपुर का व्यापारी मनीष गुप्ता, उसकी हत्या गोरखपुर में हुई, सरकार ने 40 लाख रुपए दिए परिवार को, उनको नौकरी मिली उनकी पत्नी मीनाक्षी गुप्ता को, लेकिन वो केस कानपुर में चले और SIT या CBI जो भी जांच माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत करने के लिए कहा है वो प्रारंभ हो जाए ताकि 16 अक्टूबर से पहले न्याय मिल सके मनीष को। ये पहली मांग हमारी आज के इस धरने की है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल 1 जुलाई 2017 से लगातार ये मांग कर रहा है कि GST में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस को शामिल किया जाए ताकि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण हो सके। आज पेट्रोल और डीजल दोनों 100 रुपये के ऊपर चला गया। हम एक बार फिर पुरजोर मांग कर रहे हैं धरने के माध्यम से कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस को GST के दायरे में लाया जाए, क्योंकि अधिकतम GST 28% है और हम आप जो टैक्स दे रहे हैं वो 56% है, यानी 28 रुपये प्रति लीटर का फर्क आए। तीसरी हमारी महत्वपूर्ण और बड़ी मांग है, प्रदेश में शिक्षक क्षेत्र से चुनाव होता है, स्नातक क्षेत्र से चुनाव होता है, लेकिन 17 लाख पंजीकृत व्यापारी है, कभी पंजीकृत व्यापारियों से चुनाव करने का अवसर नहीं मिला। हम ये मांग कर रहे हैं भारत सरकार और प्रदेश सरकार से कि 17 लाख पंजीकृत व्यापारियों को अधिकार मिले कि वो 6 विधान परिषद के सदस्य संवैधानिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में चुन सकें। चौथी हमारी मांग आज के इस धरने की है कि बाढ़ के नाम पर, सैंपलिंग के नाम पर जगह जगह सरकारी महकमा व्यापारियों को दूहने के लिए चला जाता है। ये अंग्रेज की सरकार नहीं है, अब हम आज़ाद हो गए, लेकिन आज भी हमारे देश में बांट और सैंपलिंग के नाम पर, बांट माप सैंपलिंग के नाम पर इंस्पेक्टर राज लागू है। इस इंस्पेक्टर राज को समाप्त किया जाए, ये हमारी चौथी है। और पांचवी महत्वपूर्ण मांग जो महात्मा गांधी जी के चरणों में बैठ के हम लोग कर रहे हैं कि देश में स्वदेशी को बढ़ाया जाए, हम बढ़ा रहे हैं विदेशी को। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये कंपनियाँ ख़त्म कर रही हैं देश के खुदरा व्यापार को। इन कंपनियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, खासतौर पर अमेजॉन कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अगर अभी हम जागरूक नहीं होंगे, चेतेंगे नहीं, तो शायद फिर से भारत को गुलाम बनना पड़ेगा। इसलिए महात्मा गांधी जी के चरणों में बैठे हैं। छठी और आखिरी मांग, 365 दिन हैं एक वर्ष में, शिक्षक दिवस है, बाल दिवस है, पत्रकार दिवस है, मजदूर दिवस है, अरे एक दिवस व्यापारी को भी दे दो। सबसे ज़्यादा राजस्व दे रहा है, सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहा है, लेकिन 365 दिन में एक भी दिन उस व्यापारी को नहीं मिल रहा। हमारी मांग है एक दिन व्यापारी दिवस घोषित हो, 3 सितंबर को राष्ट्रीय व्यापारी दिवस।